जैन साथियों, सी डी एस विपिन रावत साहब और इस घटनाक्रम में जिन्होंने भी अपनी जान गंवाई है, उन जवानों के प्रति हमारा दिल से जय हिंद और विनम्र श्रद्धांजलि। लेकिन अपने पीछे बहुत बड़ी ये मिस्ट्री छोड़ के गए हैं कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि सबसे सेफ माने जाने वाले जो चॉपर है M17 के V5 को, कि वो कैसे दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जो कि इतना आधुनिक जहाज है जिसको कि तकरीबन 60 देशों के लोग यूज़ करते हैं और इसके दुर्घटना होने की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि सबसे ज़्यादा ये अपने ही इनकी दुर्घटना हुई है, और जो कि हमारे तीनों सेना के प्रमुख CDS विपिन रावत साहब इतनी बड़ी हस्ती के साथ में अगर ये हादसा हुआ है तो प्रत्येक देशवासियों के मन में है कि जानने की उत्सुकता है कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था जो कि इतना सेफ माना जाने वाला चॉपर ये क्रैश हो गया। उसके बारे में बताऊंगा, साथ ही आपको बताऊंगा इस चॉपर से मिलने वाले जो ब्लैक बॉक्स है उसमें से जो जानकारी हम कैसे हासिल कर सकते हैं, और ब्लैक बॉक्स के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा आसान भाषा में जो कि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं M17V5 की। ये आपको बताना चाहूँगा कि M17 सीरीज़ का ये प्रो वर्जन है V5, और ऐसा माना जाता है कि इतना सेफ है कि इसमें डबल इंजन है। डबल इंजन मान लिया जाए, एक इंजन ख़राब हो तो दूसरा भी काम करेगा, अगर दूसरा भी ख़राब हो जाए तो भी इसकी क्रैश होने की संभावना बहुत कम रहती है। इसको इस टेक्नोलॉजी से बनाया है रशिया ने। और आपको दूसरी बात ये भी बताना चाहूँगा कि इतना सेफ माना जाने वाला जो चॉपर है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं उसकी भारत में ही हुई है। तो चलिए आपको वन बाय वन करके बताता हूँ। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि जो M17V5 सीरीज़ के हेलीकॉप्टर हैं ये हमारे पास में तकरीबन 150 चॉपर हैं, और इसे भारत में जो है इसे सैन्य ट्रांसपोर्ट के रूप में काम में लिया जाता है। साथ ही VVIP मूवमेंट के लिए इस चॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे CDS साहब थे वो दिल्ली से बाई एयर यानी कि एयरपोर्ट में कोयम्बटूर उतरे थे, और कोयम्बटूर के बाद में तकरीबन 90 किलोमीटर की दूरी पे वेलिंगटन अपना डिफेंस का स्टाफ कॉलेज है जहाँ की वो एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे जो कि पहले से शेड्यूल्ड था। अब जो कन्नूर है वो क्या है, पहाड़ी क्षेत्र का एरिया है, वहाँ टी गार्डन है, आपने सुना भी होगा नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो इसी इलाके में है। तो अब यहाँ से लेके वहाँ वेलिंगटन में कोई बड़ा एयरपोर्ट ना होने के कारण तो इसमें जो CDS साहब और उनके साथ में जो स्टाफ था वो यहाँ से टेक ऑफ हुए, लेकिन वहाँ पहुँचने से 10 मिनट पहले उनका जो जहाज है कन्नूर में वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और ऐसा कहा जाता है कि जब वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और जब वो नीचे पेड़ से टकराया उसके बाद में जाके उसमें आग लगी उसके फ्यूल टैंक में, और जिस कारण ये बहुत जो हमारी जो ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है वो इसी कारण की वजह से गंवाई है। हालांकि इसका ब्लैक बॉक्स मिल गया है, अब उसकी इंक्वायरी भी चल रही है, जल्दी उसमें से बातें भी उसमें से चीज़ें निकल के आ जाएंगी, इंपॉर्टेंट फैक्ट्री किस कारण ये इतना सेफ माना जाने वाला M17V5 चॉपर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। दोस्तों, इस चॉपर की जो खासियत है वो ये है कि वो 13,000 किलो की अधिकतम क्षमता के साथ में भी उड़ान भर सकता है, और 36 सशस्त्र सैनिकों को यानी कि सैनिक प्लस उनके वेपन के साथ में भी ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। और इसकी अगर स्पीड की बात करें तो 250 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से ये उड़ान भर सकता है, और ये 6,000 मीटर तक उड़ान भरने में सक्षम है। एक बार में ये 580 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, और 26/11 का जो अटैक हुआ था उसमें भी इसी चॉपर का इस्तेमाल किया गया था। और ऐसा बताया जाता है कि इस हेलीकॉप्टर में लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए 8 फायरिंग पोस्ट हैं, और M17V5 हेलीकॉप्टर सतर्म 5 मिसाइल, S-8 रॉकेट, A-23 मिनी मशीन गन, पिकेट मशीन गन्स और AKM सब मशीन गन से लैस रहता है। और अगर हम पहले की भी बात करें तो M17 हेलीकॉप्टर जो अरुणाचल में भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जिसमें कि 2 पायलट और 3 क्रू मेंबर सवार थे, हालांकि वो सब सुरक्षित बच गए थे, लेकिन इस बार देश का दुर्भाग्य ये रहा कि इतनी महान हस्ती तीनों सेनाओं के प्रमुख वो इस दुर्घटना का शिकार हो गए। और डबल इंजन मतलब कहा जाता है कि इसमें डबल इंजन है, और साथ ही ये हर मौसम में उड़ान भरने के लिए सक्षम है, और ऐसा कहा जाता है कि खराब मौसम या ऐसी कोई भी अगर प्राकृतिक आपदा में भी ये उड़ने में सक्षम है, और उसको बनाया इसलिए जाता है
कि इसमें दुर्घटना के जो हादसे के जो चांसेस हैं बहुत कम हो सके, और पूरा विश्व इसको एक सेफ चॉपर के रूप में मानता है, जिस कारण इसको वीवीआईपी ड्यूटीज या आर्मी ट्रांसपोर्ट के लिए या सैन्य उपकरणों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद में भी अगर ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया है तो उसमें बड़ी बड़ी बात यह है कि सबसे ज़्यादा ये जो दुर्घटना केसेस हैं वो भी अपने देश में ही हो रहे हैं। तो अब इसका जो है वो ब्लैक बॉक्स मिल गया है, और थोड़ा सा वो तो आपको ब्लैक बॉक्स के बारे में जानकारी देता हूँ कि आखिर ब्लैक बॉक्स होता क्या है। क्या ये काले रंग का ही होता है? तो आपको बताना चाहूँगा ये काले रंग का नहीं, बल्कि आप देखें तो ये ऑरेंज कलर का होता है, और ये टाइटेनियम धातु का बना होता है जो कि बहुत मजबूत होता है। और इसमें कॉकपिट में जो पायलट्स और जो आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है उनके बीच का जो कन्वर्सेशन हुआ होगा लास्ट में, या जब कन्वर्सेशन टूट गया होगा उसके बाद में भी कॉकपिट में जो पायलट्स हैं उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग इसके अंदर में होगी, जिसके द्वारा कि जांच में हम पता लगा पाएंगे कि आखिर किस कारण से या क्या क्या ऐसे कारण रहे होंगे जिस कारण ये M17V5 चॉपर हमारा क्रैश हो गया। तो जैसे ही जानकारी मिलेगी आप लोगों को इसके बारे में जरूर साझा करूंगा, लेकिन आपको बताना चाहूंगा जो ये ब्लैक बॉक्स है ये जो होता है, आपने देखा होगा कि ये बड़े बड़े से बड़े जो अपने एयरक्राफ्ट होते हैं उनमें भी लगा रहता है, साथ ही हमारे चॉपर में भी लगा रहता है। इसको हम इसलिए इस्तेमाल में लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी मजबूत होता है कि कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए और जहाँ पर कि ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल का संपर्क पायलट से टूट जाए, और उसके बाद में अगर ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो वो दुर्घटना किस कारण हुई, लास्ट में कॉकपिट में क्या बातें हुई और किस कारण से ये दुर्घटना होगी, उसके साक्ष्य के लिए ब्लैक बॉक्स ही ढूंढा जाता है। अच्छी बात ये रही कि ब्लैक बॉक्स मिल गया है, अब इसमें से निकल के जो जानकारी आएगी वो आप लोगों के साथ मैं जरूर साझा करूंगा। एक बार पुनः उस हादसे में जिन्होंने भी अपनी जान गंवाई है उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं, और उन वीरों को हमारे दिल से विनम्र श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत। और आप लोगों की राय कमेंट्स में जरूर देना। जय हिंद दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।